Hey guys, welcome back to my channel. So today's video is gonna be on this look right here, which is a very beautiful smoky eye. You can wear this look with your Indian and Western both, but today's video is gonna be dedicated only to Indian outfits. But of course, you can wear it with your Westerns. And also, if your dress ke andar thoda silver tone hai, silver touch hai, you can just apply silver highlighter in your inner corners. क्योंकि मोस्टली इंडियन आउटफिट्स के अंदर गोल्ड होता है, इसलिए मैंने गोल्ड अप्लाई किया है. तो सो दैट्स टोटली अप टू यू. एंड सेकंड थिंग इज कि मैंने कोई भी इंडियन आउटफिट नहीं वेयर की हुई है. आई हैव जस्ट वेयर दिस टी शर्ट विद अ दुपट्टा एंड सम इयररिंग्स एंड बिंदी टू लुक लाइक अ इंडियन गर्ल. सो नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, जस्ट वांट टू से कि इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप. मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम एंड ऑन माय टिकटॉक अकाउंट. एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. ओके गाइस, सो सबसे पहले मेकअप स्टार्ट करने से मैं अपने फेस को हाइड्रेट कर लूंगी विद दिस फेस शॉप का चिया सीड मॉइस्चराइजिंग लोशन. दिस इज वेरी गुड अगर आपकी ड्राई स्किन है, अमेजिंग है. उसके लिए बहुत अच्छी हाइड्रेशन दे देता है फेस को. तो आई एम क्विकली गोना अप्लाई दिस ऑन माई फेस. ओके गाइस, तो अब हम करेंगे कंसीलर से अपने एक्नेस को हाइड और अपने डार्क सर्कल्स को हाइड. मेरे डार्क सर्कल्स ज्यादा नहीं है बट ये एक्ने हो रहे हैं. एवरी टाइम आई थिंक ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन माय एक्ने कि मैंने कैसे अपने एक्ने को ठीक किया, नए पिंपल्स हो जाते हैं. लाइक पता चल जाता है उनको कि ये वीडियो बनाने वाले तो हम आ जाए. उसके लिए मैं यूज करिए स्विस ब्यूटी का कंसीलर. आई एम इन द शेड 02 सैंड सेबल एंड काफी अच्छी कवरेज का कंसीलर है एंड बहुत अफोर्डेबल है. सो आई रियली लाइक दिस कंसीलर. पिंपल को देखो कितने साथ में हुए हैं, लाइक हम साथ साथ है, एक इधर हुआ है एक इधर हुआ है. तो जैसे कि मैंने अपने एक्ने के ऊपर कंसीलर अप्लाई किया, आई वांट कि मुझे कवरेज मिले. तो उसको मैं फिंगर से या फिर ब्रश से ब्लेंड करूंगी, ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं करूंगी. अगर जैसे मैंने हाईलाइटिंग कंसीलर अप्लाई किया होता तो मैं उसको ब्यूटी ब्लेंडर से कर लेती, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो कवरेज ले लेता है थोड़ी सी. फाउंडेशन अगर अप्लाई दिस मेबलिन फिट मी फाउंडेशन विच इज अ वेरी गुड फाउंडेशन बट ये थोड़ा सा मैट लुक के लिए है. तो उसके साथ मैं मिक्स करूंगी नायका का स्ट्रोबेन ग्लो लिक्विड हाइलाइटर. जब मैं ये दोनों को मिक्स करूंगी तो मेरा जो बेस बनेगा वो बहुत ही हाइलाइटिंग और बहुत ही ड्यूई फिनिश का बनेगा एंड आई रियली लाइक दैट काइंड ऑफ फिनिश. बट हाँ, अगर आपको सिर्फ मैट लुक पसंद है तो फिर आप सिर्फ फाउंडेशन अप्लाई करो एंड यू गुड टू गो. I'm just gonna mix both of them together. फेस के ऊपर मैं इसको डॉट कर लूंगी पहले एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड भी कर लूंगी. Take this Maybelline Instant Age Revive Concealer. I'm in the shade Neutralizer. This is very yellow tone. तो ये मेरे under eyes को भी highlight करेगा, मेरे face को highlight करेगा, जो भी highlighting areas हैं. तो because this is yellow undertone, I'm gonna apply this on my highlighting areas now.
I'm gonna set my face with this Sugar Cosmetics As Nude As It Gets Compact Powder and I'm in the shade 01 Latte. And sirf concealed areas ke upar hi main powder apply karungi taki wo area conceal na ho jaye and rest of my face jo hai I want that to look dewy to isliye main usko set nahi karungi. Eyebrows और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का ब्राउ पॉमेड एंड इट मैचेस माई हेयर कलर. तो आपको अपने हेयर कलर के अकॉर्डिंग ही अपने आईब्रोज का जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही यूज करना चाहिए, अदरवाइज आपके आईब्रोज बहुत ही फेक लगती है और अच्छी नहीं लगती. Okay, so after like 75 hours, मेरी eyebrows हो चुकी है and now we're gonna jump to my eyes और करते हैं eye makeup और बहुत ही अच्छा quick सा and easy सा smokey eye create करेंगे but जो कि actually बहुत ही अच्छा और professional भी लगेगा. तो उसके लिए I'm using this Swiss Beauty की eye shadow palette. This is the 12. This is the Swiss Beauty 12 color eye shadow palette and I'm in the shade 01 and this is how it looks like. ये है इसके सारे shades. So I hope you can see the palette. This is how this palette looks like. और आज हम इसके browns और blacks के साथ play करेंगे. And it has this beautiful transition color and this color and this color. So we're gonna play with that only. Plus इसमें थोड़े से highlighting shades भी हैं. तो देखते हैं after creating this eye look. देखते हैं अगर highlighting shades की requirement है कि नहीं. But मेरे mind में beautiful matte सा smoky eye makeup भी घूम रहा है. So I'm trying to do that. बट देखते हैं चलो. सबसे पहले मैं पिक दिस ब्यूटीफुल ट्रांजिशन कलर और एज यूजुअली हम अपनी पहले क्रीज क्रिएट करेंगे विच इज रियली इम्पॉर्टेंट. तो पहले एक्स्ट्रा को डस्ट ऑफ कर लेंगे एंड देन आपको नीचे देखना है और ये जो क्रीज लाइन है इसको फॉलो करते हुए अप्लाई करना है. पहले मैं सारे कलर को यहाँ पे ऐसे स्टैम्प कर लूंगी. तो पहले हम पहले कलर को स्टैम्प करेंगे एंड देन ब्लेंड करेंगे. तो उससे क्या होगा, उससे एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट भी आएगा और पिगमेंटेशन भी आ जाएगी आई शेडो की. तो इस तरीके से पहले हम कलर को अप्लाई कर लेते हैं. तो स्मोकी आई में ब्लेंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. आप जितनी ब्लेंडिंग करो उतना अच्छा है, अदरवाइज आपका आई मेकअप जो है वो पैची भी लग सकता है. तो ये मैंने अपनी क्रीज को फॉलो करते हुए आई शेडो अप्लाई कर लिया है अपने आउटर वी पे और फिर मैंने अपनी क्रीज को फॉलो करते हुए इसको अप्लाई किया है एंड ब्लेंड कर रही हूँ मैं. ब्लेंडिंग में मैं बहुत अच्छा अपना टाइम लूंगी और इसको सॉफ्ट स्ट्रोक्स के साथ मैं ब्लेंड करूंगी ना. मुझे एकदम ऐसे से नहीं करना, नहीं तो वो सारे इधर उधर चला जाएगा. बहुत ही छोटे छोटे जेंटल स्ट्रोक्स के साथ आपको इसको ब्लेंड करना है. सो नाउ ये वाले डार्क ब्राउन कलर को लेके मैं इसको सिर्फ अपने इस एरिया पे अप्लाई करूंगी. मैं इससे ऊपर नहीं जाऊंगी, सिर्फ इसी एरिया के ऊपर अप्लाई करूंगी. अगर मेरे आईलेट के ऊपर आ रहा है सो दैट्स टोटली फाइन, क्योंकि ये स्मोकी आई है एनी वे तो आईलेट के ऊपर आ सकता है, बट इस लाइन से ऊपर नहीं जाना चाहिए ये. तो आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि ये कलर सिर्फ मेरी क्रीज के अंदर जाए, क्रीज से ऊपर ना जाए. इससे क्या होगा, मेरी क्रीज बिल्कुल डिफाइंड लगेगी और गहरी लगेगी. सो नाउ यू कैन सी के डार्क ब्राउन कलर अप्लाई करते ही मेरी क्रीज जो है वो बहुत ज्यादा डिफाइंड और गहरी लग रही है. नाउ व्हाट वी गोना डू इज मैं ब्लैक कलर अप्लाई करूंगी स्ट्रेट अप दिस वन एंड आई एम गोना अप्लाई दिस ऑन ऑल ओवर माय आईलेट. बिल्कुल सारा का सारा कलर मैं अपने आईलेट के ऊपर अप्लाई कर लूंगी. मेक श्योर कि आप एक्स्ट्रा को डस्ट ऑफ कर लो, अदरवाइज वो फेस के ऊपर गिरेगा. तो यू कैन सी कि यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही ब्रश का इस्तेमाल किया है, मैंने ब्रशेस चेंज नहीं किए हैं. इट्स जस्ट द फैक्ट कि आप ब्रश को कैसे एंगल से पकड़ रहे हो दैट मैटर्स अ लॉट.
पहले कलर को प्लेस करेंगे और ब्लेंडिंग का काम हम बाद में करेंगे। तो कलर मैंने प्लेस कर लिया है, नाउ इस सारे को ब्लेंड करने के लिए आई एम गोना टेक दिस क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश, इसके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, एंड देन मैं इसकी लाइन को एज को ब्लेंड कर लूंगी अच्छे से। I'm gonna pick this color right here, this gold one. It's gonna look super gorgeous, and because we are doing something related to Indian weddings and Indian outfits, so gold is gonna look very beautiful with that. Wow, this is so intense. I'm gonna just smudge that out a little bit because this is really intense. So now to smoke out my lower lash line, I do not apply kajal. If you guys know me, you know that I hate kajal on me. मेरे ऊपर काजल बिल्कुल भी सूट नहीं करता है. But I'm gonna just smoke my lower lash line a little bit ताकि थोड़ा सा बैलेंस लगे दोनों में, अपर एंड लोअर में. So I'm gonna take this dark brown color. So I'm gonna take this dark brown color and I'm gonna apply this on the very end of my lower lash line and then I'm gonna smudge it out outwards. Okay, so because I have very tiny eyes, I'm gonna apply this white eyeliner on my waterline. It is gonna give a illusion of bigger and open up eyes. क्योंकि जब हम smoky eye करते हैं तो eyes थोड़ी सी dull और बंद लगती है because it's a darker color. तो जब आप white eyeliner को अपनी lower lash line में apply करोगे तो eyes बड़ी भी लगेंगी और खुली खुली भी लगेंगी. So just notice the difference, this eye is looking a little bigger and this is looking very dull. When I wear my false eyelashes, these ones are by Pack M79, very beautiful eyelashes. So I'm quickly gonna wear them and I'll be right back. Alright, so I'm back with my eyelashes on and my eye look is complete. Now I'm gonna bronze up my face a little bit because smoky eye ke saath bronzy face bahut acha lagta hai. And to do that, I'm gonna use this Pack Cosmetics का compact powder. This is darker to my skin tone. मेरी skin tone से dark है, तो इसलिए मैं इसको as a bronzing shade use कर रही हूँ. This is in the shade number 10. And as you can see, this compact is very dark for my skin tone. तो इसलिए मैं इसको bronzing के लिए use करूँगी. So I'm gonna take a very little amount of it. बिल्कुल थोड़ा सा extra को हम अपने हाथ के ऊपर ऐसे ही निकाल लेंगे ताकि एकदम face dark ना हो जाए. And I'm just gonna lightly dab this brush on my face. So for my blush, I'm gonna apply very little amount of it. I don't want too much on my face right now because my eyes are already very loud. So I'm gonna use this peach tone blush. This is the Benefit California blush. And it is a very pretty peach color. Love this color, such a beautiful blush. So quickly gonna just apply very tiny bit amount of it on my cheeks. I always like to, you know, dust off the extra on my hand ताकि मेरा face एकदम से red red ना हो. Alright, for my highlighter, I'm gonna apply this Makeup Revolution eyeshadow in the shade base. मैंने previously एक top 10 highlighter के ऊपर video बनाई है जिसमें मैंने 10 highlighters share की आपके साथ. And drugstore range है बहुत ही affordable range के, तो आप जरूर वो video देखना. अभी video के end में उसका link आ जाएगा, so make sure to check that video out. अगर आपको देखना है मेरे top 10 favorite highlighters from drugstore, तो I'm quickly gonna highlight my face with this eyeshadow. I'm gonna apply this Pack Retro Matte in the shade number 38. This is a very gorgeous brown color. This is kind of a bold color. I don't know if it's gonna look good on me. I'm just gonna try it out. अगर नहीं अच्छा लगेगा तो मैं थोड़ा सा nude in the center apply कर लूँगी और वो perfect हो जाएगा. So let's quickly do that. Plus ये मैंने lipstick apply किया हुआ है सुबह का और वो हट नहीं रहा है. तो don't think कि मैंने lipstick apply किया. This is a lip stain that doesn't wanna go off my lips.
This color is definitely looking very bold. So I'm gonna apply this nude color. This is the Blue Heaven non-transfer proof lipstick. This is in the shade Nude Lips. As the name suggests, this is a nude color. So just gonna apply this right in the center and gonna blend it out. Now you can just finish off this look with some makeup setting spray. Now setting spray doesn't suit my skin. I don't know what happened, and every time I apply any kind of setting spray, like kisi bhi brand ka ho, kisi bhi achi brand ka ho, mujhe pimples ho jata hai, it doesn't suit my skin. So that's why I don't apply it, but you can, if it suits you, you can totally apply it. So I'm just gonna change my outfit and my avatar and I'll be right back. So this is the final look, you guys, and I really hope that you like this video. If you did, then make sure to give it a big thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't already. Make sure to follow me on my Instagram and on my TikTok account. And don't forget to hit the notification bell. And I will see you guys in my next video. Bye!